हेलो नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA क्या है, इसके द्वारा जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CEA वो क्या होगा और किस प्रकार से होगा, इसका एज लिमिट क्या होगा, ये साल में कितनी बार आयोजित की जाएगी, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके अंदर अब कौन कौन से एग्जामिनेशन होंगे, क्या SSC, IBPS या RRB के अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे या उसमें किस प्रकार के बदलाव किए जाएंगे या फिर हम अपने तैयारी में किस प्रकार का बदलाव करें, इन सभी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से देखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको इन सभी चीज़ों का जो क्लियरिफिकेशन है आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड ईजी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस NRA का सबसे पहला है कि जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाएगी और ईजी किया जाएगा चयन की प्रक्रिया, उसके लिए NRA का गठन किया जाएगा। अब इस चार पॉइंट को पढ़ते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे पढ़ने के बाद। करेंटली गवर्नमेंट जॉब सीकर्स अपीयर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय मल्टीपल एजेंसीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैंडिडेट्स पे रिपीटेटिव फी, ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस टू रिक्रूटमेंट सेंटर सेवरल टाइम्स इन ए ईयर। तीसरा, NRA विल रिमूव दिस पेन पॉइंट्स विथ ए कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर Tier 1 एग्जामिनेशन फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स। NRA विल रिड्यूस बर्डन ऑन कैंडिडेट ऑल्सो ऑन रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। इन चार पॉइंट को हम सार करने का प्रयास करते हैं। सार करने के बाद ये चीजें निकल के सामने आती है कि आदि पहले के, अगर इसको मानते कि आज से लागू हो गया, मानते थोड़ी देर के लिए, तो पहले क्या होता था कि एक ही एग्जामिनेशन के लिए हम कई बार फॉर्म फिल करना पड़ता था, IBPS में भी, रेलवेज में भी, SSC में भी और कई और एजेंसियां जो एग्जाम कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए, हम फिल फॉर्म बार बार फिल पर फॉर्म करते थे, यानी कि हर बार उसका तैयारी भी करना पड़ता था, तैयारी इन द सेंस एग्जाम देने जाना पड़ता था, हर दूसरे शहर एग्जाम देने पड़ते थे। उन चीजों को रिड्यूस करना है क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा यानी कि कॉमन, दैट मीन्स एक जगह एग्जामिनेशन होंगे, तो ये चीजों से हम बर्डन बचेंगे। और क्या होगा, एजेंसी का बर्डन कैसे कम होगा, क्योंकि उनको एग्जाम कंडक्ट करके देगी NRA, क्या होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत एक एग्जाम कंडक्ट करेगी और एग्जाम कंडक्ट करके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को देंगे उसके पास कि आप उसके आगे का प्रोसीजर कीजिए, यानी कि इस लाइन से साफ ये जाहिर होता है कि ना SSC बंद हो रही है, ना रेलवे बंद हो रहे हैं और ना ही IBPS में किसी प्रकार का बदलाव बंद किया जा रहा है, इस किसी प्रकार को सबको मर्ज नहीं किया जा रहा है। आप इन बातों से थोड़ा निश्चिंत हो जाएं कि किसी भी एजेंसी को मर्ज नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके चयन प्रक्रिया में एक आवश्यक, हम इसको आवश्यक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वर्तमान दृष्टिकोण से ये आवश्यक था, एक आवश्यक सिर्फ बदलाव किए जा रहे हैं। अब इस विषय में हम जरा बात करते हैं कि इसका क्या चयन प्रक्रिया, तो हमने देखा कि तीन भागों में किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या होगी। योग्यता इनका रखा गया है कि एग्जाम से तीन सेक्शन की योग्यता के आधार पर किया जाएगा। पहला रखा है ग्रेजुएट, दूसरा हायर सेकेंडरी 10+2, तीसरा है मेट्रिकुलेशन, मतलब 10+10 के बेसिस पे किया जाएगा। हम आगे पढ़ते हैं, फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट CET shall replace the Tier 1 examination held by कौन, SSC, RRB, IBPS, ये तीन मेजर संस्थानों के जो प्रमुख रूप से जॉब देती है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ प्रति वर्ष लोग एग्जामिनेशन देते हैं, तो इन तीनों को रखा गया। एंड CET shortlisted candidate for Group B and Group C posted in central government, यानी कि इसकी सेक्शन योग्यता के आधार पर देखा जाए तो ये तीन प्रकार से मेजर जो हम लोग करते हैं, ग्रेजुएट इक्विवेलेंट होते हैं कुछ पोस्ट 12th को, जैसे CHSL होते थे, और कुछ पोस्ट के थे मेट्रिकुलेशन, जैसे कि MTS वगैरह पोस्ट होते थे आदि इत्यादि भी, तो उनका जो Tier 1 यानी कि जो इन सबों का जो Tier 1 एग्जामिनेशन होते थे इन सेक्शन योग्यता का, या फिर जो IBPS का Tier 1 एग्जामिनेशन होते थे, सिर्फ Tier 1 एग्जामिनेशन का अधिकार कहा जाए तो उनसे छीन लिया गया है या उनसे ले लिया गया, ताकि उनका बर्डन कम हो। आपका क्या हो कि आपको एक ही Tier 1 एग्जाम्स देके इन सभी के लिए क्वालिफाई हो जाए, तो आपका ये बर्डन कम हो, आपको मल्टीपल टाइम्स ऑफ फी नहीं भरने पड़ेंगे और मल्टीपल एग्जाम्स भी नहीं देने पड़ेंगे, या सेंटर का क्यों कैसे कम हुआ है, क्योंकि सरकार ने ऐसा प्रस्तावित किया, हम आगे के स्लाइड में देखेंगे, जरा उस स्लाइड को हम जाके देखते हैं।
सरकार ने प्रस्तावित किया है कि आप तीन नंबर पॉइंट को पढ़ें, सीटी विल सीटी टू कंडक्टेड एट ओवर 100 सेंटर, एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट वन एग्जाम सेंटर इंक्लूडिंग द 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हम वैसे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं जो आर्थिक रूप से या सुदूर या पिछड़े हुए होते हैं, जो नीति आयोग के द्वारा चिन्हित की जाती है। उस वो ऐसे 117 हैं जिनको रखा गया कि उसमें कम से कम एक सेंटर होना ही होना है, जिनसे ये होगा कि आपको अधिक दूर जाना नहीं पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। बाकी बात 1000 सेंटर का गठन किया जाएगा, सरकार ने ऐसा प्रस्तावित किया है। और क्या होता था कि दिव्यांगजन या महिलाएं, खासकर लड़कियों में और दिव्यांग में क्या होता था कि उनका पेरेंट्स तैयारी करने के लिए एग्जामिनेशन के लिए सहयोग नहीं कर पाते थे, इस वजह से, क्योंकि सेंटर काफी दूर होती थी कि आप पढ़ोगे सेंटर उतना दूर आप एग्जाम कैसे दोगे, या जो दिव्यांगजन है उनको कैसे वहां तक पहुंचाया जाएगा सेंटर तक। तो अगर इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है सरकार के द्वारा, जो प्रस्तावित है, होप सो बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, कि किया जाता है कि सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, तो लोग प्रोत्साहित होंगे या घर के गार्जियंस जो फैमिली मेंबर है सहयोग करेंगे लड़कियों और दिव्यांगजनों को कि आप पढ़ें, और क्योंकि एग्जाम सेंटर नहीं ठीक है तो आप जॉब भी आसानी से एग्जाम देंगे और जॉब प्राप्त करेंगे। इनका इसमें थोड़ा सा और पढ़ के हम देखते हैं, रिड्यूस टाइम टेकन सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब अगर यदि ये, क्योंकि अगर यदि हम एजेंसी, तमाम एजेंसियां रेलवे आर्मी एसएससी से अगर इन चीज़ों को ले लेते हैं, इसका फेज वन का एग्जामिनेशन टायर वन का, तो ऑब्वियस उसका बर्डन कम हो जाएगा। तो जो टाइमिंग सिलेक्शन का टाइमिंग प्रोसीजर है, इसका टाइमिंग जो है वो कम किया जा सकता है या किया जाएगा। इनका एक ये है, आगे फिर से हम देखते हैं पीछे की स्लाइड में हमने जो छोड़ा उस विषय में बात करते हैं। आगे ये है कि स्टैंडर्ड करिकुलम होगा, इसमें जो लैंग्वेज होगी, सरकार ने ऐसा माना है कि 12 ऐसे लैंग्वेज होंगे चयनित किया जाएगा जिनके आधार पर एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, पर ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, वो सामने सरकार बताएंगी बार बार नोटिस देके कि क्या होंगे क्या नहीं होंगे। प्लस उनका ये कहा है कि जो सीईटी स्कोर होगा, जो सी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके स्कोर के आधार पर आपको टायर टू टायर थ्री एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्टेड किए जाएंगे, जो रिस्पेक्टिव एजेंसी यानी कि एसएससी रेलवे और बैंकिंग जो एजेंसी आईबीपीएस है उनके द्वारा आगे के एग्जाम्स करवाए जाएंगे। इनका आगे ये भी कहना है कि जो सीईटी का स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, और 3 साल में लगभग 6 बार आपको कम से कम एक यानी कि ग्रेजुएट लेवल का ही 6 बार देना दे सकते हैं एग्जाम, देना पड़ेगा ये हम नहीं कर सकते, आप दे सकते हैं। उसमें से जो सबसे अच्छा स्कोर होगा उसी को करंट स्कोर माना जाएगा, यानी कि उसी को आपका स्कोर माना जाएगा, उनका इनका ये कहना है। उनके बाद इनका ये है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब आपने कितना बार एग्जाम्स देंगे उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि अपर एज में जो छूट वगैरह जो पहले से प्रस्तावित है उसी प्रकार से छूट आपको दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन तो ये हो गया, पर इसका जो सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से इसका सिलेबस होगा, क्या मल्टीपल एग्जाम से क्वेश्चंस होंगे या क्या होगा, तो सिलेबस के लिए किसी भी प्रकार का अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई है कि सिलेबस इसका कैसा होगा। परंतु ये बात आप मान के चले कि सिलेबस जो वर्तमान में है इसी में सिलेबस होगा, लेकिन सबसे समस्या की बात यह है कि आरआरबी में इंग्लिश नहीं होती है। आपने देखा होगा जो आरआरबी के एग्जामिनेशन रेलवे के एग्जामिनेशन में इंग्लिश नहीं होती है, और आईबीपीएस के पैटर्न सिलेबस पैटर्न एज डिफरेंट है इनसे, एसएससी से भी डिफरेंट है। तो ये सिलेबस अब कौन सा सिलेबस दिया जाएगा, इंग्लिश होगा या नहीं होगा, ये अभी किसी भी प्रकार का सिलेबस नहीं घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। परंतु जो आगे का जो एग्जामिनेशन होगा टायर टू और टायर थ्री का एग्जामिनेशन या इंटरव्यू जो होते थे वो चूंकि सेम एजेंसीज करेगी, तो वो अपने अनुसार से सिलेबस ही रखेगी जो पहले से उनका सिलेबस है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर हम ये बोले तो आप जिस एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं आपका सिलेबस मान के चले, जब तक सरकार आपके द्वारा कोई नई सिलेबस प्रस्तावित नहीं की जाती है तब तक आप ये मान के चले कि जो मेरा सिलेबस है वही सिलेबस होगा। और अगर इस सुझाव के तौर पर देखा जाए तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत सब्जेक्ट है उसको और मजबूत करने का प्रयास करें, और करेंट अफेयर मैथ इंग्लिश इन चीज़ों को पर जोर दें। आमतौर पर यही से एग्जाम्स होते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि कुछ सेपरेट कर दिया, परंतु आप इन चीज़ों पर जोर, जो आपको महत्वपूर्ण पोर्शन उसको और महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करें। इनका देखिए ये कहना है कि इनिशियली द एनआरए टू कंडक्ट सीईटी ट्वाइस इन ईयर,
अभी क्या होगा कि एनआरए जो एग्जामिशन कंडक्ट कराएगी वो दो बार कराएगी एक साल में, मतलब ग्रेजुएट लेवल का दो बार, इंटर लेवल का दो बार और मैट्रिक लेवल का दो बार एग्जामिशन कंडक्ट कराई जाएगी। इनका ये कहना है कि सब ऑनलाइन के माध्यम से होगा और जो बल्क ऑफ कंडक्ट स्क्रीन आउट किया जाएगा। और इनका एक चीज और है, आपने अभी तक सारे एग्जाम्स चाहे वो मल्टीपल मतलब ऑब्जेक्टिव ही दिए होंगे तो इनका भी सिलेबस नहीं जो पैटर्न है एग्जामिशन का वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो सरकार का ये प्रस्तावित किया गया है। आगे हम इस चीज को इन्हीं सब चीजों को अगर ध्यान से यदि हिंदी में करें तो डेली न्यूज की टीम ने यह तैयार किया है जो हिंदी में लिख के दिया है। आप इसको पीडीएफ आपको डेली न्यूज के टेलीग्राम ग्रुप में मिल गया होगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया होगा जहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के और इन चीजों को समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सेम चीजें लिखी हुई है, एनआरए द्वारा शुरू में वर्ष में दो बार सीईटी आयोजित की जाएगी, बाद में इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। सीईटी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होगा, क्या किए जाएंगे इसमें सब कुछ लिखा है। टायर वन की परीक्षा जो होगा वो क्या इन सभी चीजों से लेके एक कॉमन रूप से आयोजित की जाएगी। उसके बाद है कि पसंद के आधार पे मेरिट लिस्ट जो मान्य होगी, विद्यार्थी अपने पसंद के आधार पे जा सकते हैं। जिनको रेलवे में जाना है वो रेलवे में जाएंगे, जिनको एसएससी में जाना है वो एसएससी का एग्जाम से देंगे, जिनको बैंकिंग में जाना है उनको बैंकिंग में जाएंगे। सरकार ने ये भी किया है कि आमतौर पे जो सरकार राज्य सरकार के द्वारा भी दिया जा सकता है जो सूची है सीईटी में जो सफल होंगे राज्य सरकार को भी दी जाएगी, जिनसे उनको भी एग्जाम्स लेना नहीं पड़ेगा और वो अपने रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। या पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां पीएसयू उन लोगों को भी दी जाएगी। इस प्रकार का अभी माना गया है कि ऐसा किया जाएगा, परंतु ये चीजें अभी नहीं भविष्य में सब चीजें प्रस्तावित है। और जो ये इस जो एजेंसी है ये लागू जो प्रस्तावित है वो 2021 के बाद ही होगी, तो अभी एग्जाम्स में किसी भी प्रकार के कोई विशेष परिवर्तन नहीं किए गए हैं। जो आपका तय एग्जामिनेशन होने वाले या जिनका नोटिफिकेशन आ गया, तो इसलिए आप उन चीज़ों के लिए परेशान ना हो कि ये नई चीज़ें आ गई है। अभी फिलहाल किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन का प्रस्ताव है जो मंजूरी मिल गई है। हो सकता है 5-7 या 8 महीने के बाद या साल भर के बाद ये लागू हो जाए, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। ये सही है या गलत है ये आपके विवेक पे है, हम इस विषय में नहीं बोलेंगे, परंतु कहीं सही है कहीं थोड़ा सा हिचकिचाहट इस वजह से कि पैटर्न क्या है, सिलेबस सरकार को देनी चाहिए थी जो भी उन्होंने नहीं दिया। आई होप बहुत जल्द रिलीज किया जाए सरकार के द्वारा, जैसे ही कुछ सिलेबस का आंकड़ा आता है आपको डेली न्यूज के माध्यम से अवश्य सूचित किया जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहें और आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद।